इन कारणों से घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से टोकते हैं बड़े बुजुर्ग। ध्यान दिया होगा आपने कि अगर आपने गलत तरीके से कहीं अपने स्लीपर्स यहाँ वहाँ या जूते चप्पल को उल्टे तरीके से खोल दिया तो आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग होंगे वो ज़रूर टोकते होंगे कि इसको प्रॉपर जगह पे रखो, सही तरीके से रखो। यह हर घर की बात है दोस्तों, ये हमारे घर में भी होता रहा है। जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे और चप्पल यहाँ वहाँ रख देते थे शूज़, तो हमारे पापा जो हैं वो काफ़ी गुस्सा करते थे कि इनको प्रॉपर तरीके से रखो। हर चीज़ का बैलेंस करने का एक तरीका होता है। स्लीपर्स आपके व्यवस्थित रहेंगे, आपकी ज़िंदगी भी व्यवस्थित तरीके से ही चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके होने से बड़े बुजुर्ग रोकते रहते हैं। जैसे कि घर में कभी जूते या चप्पल उल्टे हो भी जाएं तो घर के बड़े तुरंत ही टोक कर उसे सीधा करने को कहते हैं। और यह सीख कहीं ना कहीं सच बात है। उस वक्त तो हम गुस्सा हो जाते थे कि हर बार पे टोकते हैं कि स्लीपर उल्टा है, या स्लीपर को एक साइड में रखो, एक साथ जोड़े में रखो, एक चप्पल वहाँ दूसरा वहाँ नहीं होना चाहिए। बट आज उसका एहसास है कि उस चीज़ के पीछे क्या रीज़न था, क्यों हमें टोका जाता था हमारे चप्पलों के यहाँ वहाँ रखने से, क्यों हमें टोका जाता था कि अगर हमारा एक चप्पल एक तरफ दूसरा कहीं और पड़ा है तो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही लेकर के आई हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि अपने जूते या चप्पलों को एक साथ रखें, तो आप संभल जाएं और आज के बाद यह कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस प्रकार की आदत से हमें क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वैसे भी उल्टी चप्पल देख करके आपके मन में कैसी भावना आती है, कुछ अलग सी उलझन होती है, लेकिन इसलिए लोग उसे, आपने ध्यान दिया होगा, कोई और भी है अगर कोई गुजर रहा, बहुत लोगों को मैंने खुद नोटिस किया है कि वो अगर चप्पल उल्टी है तो उसे सीधी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चप्पल या जूता उल्टा क्यों नहीं होना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर या बाहर चप्पल जूतों का उल्टा रखे रहना कई गंभीर और नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। लोग मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चप्पल जूते उल्टे हो जाएं तो घर में रोग का प्रवेश होता है, ऐसी लोक मान्यता है और शास्त्र भी यही कहता है। आइए जानते हैं और भी बातें कि जूते चप्पल उल्टे रखे जाने को लेकर के आखिर कौन कौन सी वजह हैं और इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मान्यता है कि यदि घर में कोई चप्पल या जूते उल्टे हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी उठ जाती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि उल्टी चप्पल को तुरंत सीधा कर देना चाहिए, या वो टोकते रहते हैं कि चप्पल को सीधी रखो। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसके पीछे शास्त्र है और उस शास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम हिंदू धर्म में ये सारी मान्यताओं को बताया गया है। एक अन्य लोक मान्यता यह भी है, शास्त्र संबद्ध है, कि यदि घर में चप्पल जूते उल्टे रखेंगे तो घर में बीमारी दुख आदि का प्रवेश होने लगता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चप्पल और जूतों को कभी भी उल्टा न रखें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और यह सच भी है। तो इसलिए चप्पल जूतों को हमेशा इकट्ठा और बिल्कुल एक रो में रखें।
बेकार चप्पल जूते हैं, घर से तुरंत बाहर करें। घर में उल्टा जूता चप्पल अगर रखा हुआ है तो घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और इससे घर वालों की सोच पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और घर के जो भी आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण, उसमें अशांति फैल जाती है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर चप्पल उल्टी रखो तो घर में कलह कलेश भी ज़्यादा होते हैं। टूटे फूटे चप्पल, यूज़लेस चप्पल भी अगर घर में रखे हैं आपके, जिनका आपका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, अगर आपको यूज़ करना है तो रखें, वरना किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दें, तो आपके जो ग्रह हैं वह भी दोष जो होते हैं वह दूर होते हैं। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ध्यान दीजिएगा कि उल्टी अगर चप्पल आपने रखी है तो इससे घर के सदस्यों की ही सोच पर उल्टा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार अगर जूते चप्पल उल्टे होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और इससे परिवार की सुख शांति में भी भंग होता है। मानसिक तनाव उनका बढ़ता जाता है, जो भी घर में पॉजिटिव एनर्जी थी वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, और लोग जो हैं बातों बात पे चिढ़ने लगेंगे, गुस्सा आएगा, तो ये चीज़ें एंजाइटी करवाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि चप्पल जूते आपके घर में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं पड़े हैं, अगर पड़े हैं तो आज से ही इस कार्य को सुधारना शुरू करें। धार्मिक मान्यता है कि अगर मान्यताओं के साथ की एक कारण यह भी है कि चीज़ें सही जगह पर सही तरीके से रखी ही अच्छी लगती हैं। घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से शनि का प्रकोप रहता है, क्योंकि शनि देव को पैरों का कारक माना जाता है दोस्तों, और यही रीज़न है कि कहावत आपने सुनी होगी कि इसके पैर में शनिश्चरा का वास है, यानी कि शनि भगवान एक जगह स्थिर नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका शनि स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो अपने चप्पल, आप ऑफिस से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, आप अपने चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखें, कहीं भी जा रहे हैं खोलें व्यवस्थित तरीके से, एक साथ दोनों चप्पल होने चाहिए, आसपास उल्टी चप्पलें हैं उनको सीधी कर दीजिए, इससे आप ही का लाभ होगा, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन एक इंसान के करने से नहीं होगा, घर का हर एक सदस्य इस चीज़ के लिए उसको ध्यान देना होगा कि एक सिंपल सी चप्पल जो सिर्फ हमारे पहनने के काम आती है, उससे हमारे जीवन में कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है और होता है। तो अपने जीवन में बैलेंस चाहते हैं, जीवन में नकारात्मकता को दूर चाहते हैं, तो आज से ही ध्यान देना शुरू करें कि घर में यहाँ वहाँ चप्पल फैले हुए ना हो, अगर हैं भी तो उनको जोड़े में रखें और उनकी प्रॉपर जगह बनाएं, वरना आपके घर के अंदर शनि का प्रकोप चालू हो जाएगा और घर में कलह कलेश हमेशा ही बना रहेगा। घर की हारमोनी को बनाए रखें, इसलिए चप्पलों के ऊपर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, यह थे चप्पल के बारे में वास्तु टिप्स, की चप्पलों को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और चप्पल की वजह से घर में कलह कलेश ना हो, इसका विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।